सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं सप्तम्याः कक्षायाः चतुर्थः पाठः पठामः। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा सातवीं के चौथा पाठ का अध्ययन करेंगे। अच्छा बच्चों, आपको पता ही होगा कि आप कौन से देश में रहते हैं। अनन्या को बताना है, बताओ। भारत देश में। बहुत सुंदर। और हम कौन से राज्य में रहते हैं? हाँ, मोहन छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सा नगर है? पर बहुत सारे लोगों को पता है, तो कौन बताएगा? अनामिका बताइए। रायपुर नगरम। हाँ, रायपुर नगरम। तो बच्चों, आज हम इसी रायपुर नगर के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। इदम अस्माकम रायपुर नगरम। इदम माने यह, अस्माकम हमारा, रायपुर नगरम रायपुर नगर है, यह हमारा रायपुर नगर है। खारून नद्याः तटे रायपुरम अस्ति। खारून नद्याः तटे, खारून नदी के तट पर रायपुरम रायपुर अस्ति है। खारून नदी के तट पर रायपुर है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगरम रायपुर नगर अस्ति है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। अस्य नगरस्य महत्त्वं प्राचीन कालादेव वर्तते। अस्य नगरस्य, अस्य माने इसका, नगरस्य नगर का, जब दोनों वाक्य शब्द को एक साथ पढ़ेंगे तो इस नगर का महत्त्वं, महत्व प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल मतलब पुराने समय से, बहुत पुराने समय से, एव, एव माने ही, वर्तते है, इस नगर का महत्व बहुत प्राचीन काल से है। इयम नगरी तड़ागानाम नगरी इति कथ्यते। इयम यह, नगरी नगर, तड़ागानाम तड़ाग, तड़ाग कहते हैं तालाब को, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तड़ागानाम माने तालाबों की नगरी नगर इति कथ्यते, कहा जाता है, इस नगर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। देखिए, कुछ आपको व्याकरण से संबंधित कुछ बातें आपको दिख रही होगी, उनको ध्यान से देखिए और समझिए। इदम, ये इदम नपुंसक लिंग का है, प्रथम विभक्ति एक वचन, और इयम, इयम स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। अस्य नपुंसक लिंग का है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का। प्रदेशस्य नगरस्य क्षेत्रस्य, इस प्रकार के जितने शब्द आए हैं जिसमें अंत में स्य 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 जुड़ रहा है, तो प्रायः ये अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के षष्ठी विभक्ति एक वचन के होते हैं। प्राचीन कालादेव, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है, जब इसको हम अलग करेंगे तो प्राचीन कालात, प्राचीन कालात धन एव, यहाँ व्यंजन संधि है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, चलिए देखिए। रायपुर नगरम कस्याह नद्याह तीरे स्थितम। रायपुर नगर कौन सी नदी के किनारे तट पर स्थित है? रायपुर नगरम खारून नद्याह तीरे स्थितम। दूसरा प्रश्न है, रायपुर नगरम कस्य प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। रायपुर नगर किस प्रदेश की राजधानी है? रायपुर नगरम छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। आगे देखते हैं। अत्र अष्टादशाधिकाः तड़ागाः सन्ति। अत्र, अत्र माने यहाँ, और ये अत्र अव्यय पद है, अव्यय पद मतलब जो पद कभी बदलता नहीं है। अष्टादशाधिकाः,
यहाँ दो शब्द है, अष्टादश धन अधिक अधिका, दोनों को मिलाकर के यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, अष्टादशाधिका, अष्टादश माने अठारह, अधिका माने अधिक, तो अठारह से अधिक तड़ागा तालाब संति है। रायपुर में 18 से भी ज्यादा तालाब हैं। अत्र अति प्राचीन खोखो तड़ाग, बूढ़ा तड़ाग, विवेकानंद सरोवर, महाराजा बंध, कंकाली तड़ाग इत्यादय ऐतिहासिक महत्व द्योतयंती। अत्र यहाँ जो 18 से अधिक तालाब हैं, उन तालाबों में बहुत प्राचीन खोखो तालाब, बूढ़ा तालाब, जिसको आजकल विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जानते हैं, महाराज बंध, कंकाली तालाब आदि ऐतिहासिक महत्व रखने वाले तालाब हैं, जो इस शहर के ऐतिहासिक महत्व को बताते हैं। इयम नगरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संस्कार धानी नगरी इति अभिधीयते। इयम नगरी, इस नगर को, किस नगर को, रायपुर नगर को, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का संस्कार धानी, संस्कार की नगरी इति अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है। रायपुर नगर को छत्तीसगढ़ क्षेत्र की संस्कार धानी कहते हैं। देखिए कुछ व्याकरण दिख रहे हैं आपको, अष्टादशाधिकाः, अष्टादश धन अधिकाः दीर्घ स्वर संधि है, इत्यादयः इति धन आदयः यण स्वर संधि है, और अभिधीयते ये अभि उपसर्ग पूर्वक धीयते, जिसका अर्थ होता है जाना जाता है, कहा जाता है। चलिए अब छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, देखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संस्कार धानी नगरी इति अभिधीयते, छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी किस नगर को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संस्कार धानी रायपुर नगरी अभिधीयते। चलिए आगे देखते हैं, अत्र दुधधारी मठः, महामाया मंदिरम, कंकाली मंदिरम, जयतु साव मठः, महादेव घट्टः, हटकेश्वर मंदिराणि अति प्राचीनानि सन्ति। अत्र, अत्र माने यहाँ, यहाँ कहा, रायपुर में दुधाधारी मठः, दुधाधारी मठ, महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, जयतु साव मठ और महादेव घाट तथा हटकेश्वर मंदिर अति प्राचीन हैं। ये जो जितने नाम अभी हम पढ़े, ये सब बहुत प्राचीन मंदिर हैं, कहाँ के, रायपुर के। अति प्राचीनानि का मतलब होता है बहुत पुराने, संति माने हैं, बहुवचन है। येषां दर्शन मात्रेण हृदि शांति अनुभूयते, येषां जिनके, किनके, जिनके, रायपुर के जो बहुत प्राचीन मंदिर है, इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन मात्रेण, दर्शन मात्रेण देखने मात्र से, हृदि हृदय में शांति अनुभूयते, शांति का अनुभव किया जाता है, इन मंदिरों को देखने मात्र से ही हृदय में, मन में बड़ी शांति मिलती है। दुधाधारी मठस्य निर्माणः विंशत्यधिकं षोडश शतम संवत्सरे संजातम्। दुधाधारी मठस्य, दुधाधारी मठ का निर्माणम, निर्माण सन 1620 संवत्सरे संजातम्, संवत्सरे ईस्वी में संजातम हुआ है ना, दुधाधारी मठ का निर्माण सन 1620 में हुआ है। एक छोटा सा प्रश्न है, देखिए दुधाधारी मठस्य निर्माणम कदा संजातम, दुधाधारी मठ का निर्माण कब हुआ, दुधाधारी मठस्य निर्माणम विंशत्यधिकम षोडश शतम संवत्सरे अभवत् संजातम। आगे देखते हैं, अत्र राजनान गांव नामनः राज्यस्य महंत घासीदास नरेशेन सप्तपंचाशत् अधिकम् अष्टादशशतम् ख्रीष्टतमे निर्मितम् प्राचीनतम् अष्टकोणी भवनम् अस्ति। अत्र, अत्र माने यहाँ,
यहाँ कहाँ? रायपुर में। राजनांदगांव नामनः राज्यस्य, प्राचीन काल में राजनांदगांव राज्य था और उस राज्य के जो नरेश थे, राजा थे, महंत घासीदास जी, उन्होंने सन 1875 में बनवाया था। क्या बनवाया था? अष्टकोणी भवनम, आठ कोण वाला भवन निर्मितम, निर्माण करवाया था। कहाँ? रायपुर में। राजनांदगांव राज्य के राजा महंत घासीदास जी ने 1875 ईस्वी में एक प्राचीन अष्टकोणी भवन का निर्माण कराया था। अपिच टाउन हॉल इति नामनः शताधिक वर्षम प्राचीन भवनम अस्ति। अपिच और भी रायपुर में और टाउन हॉल नाम का भी एक भवन है जो शताधिक वर्षम, शताधिक सत धन अधिक, दीर्घ स्वर संधि है, 100 से अधिक साल पुराना प्राचीन भवनम, पुराना भवन अस्ति है। रायपुर में 100 साल से भी ज्यादा पुराना भवन टाउन हॉल जिसका नाम है वो है। तथैव राजकुमार महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुरे च दर्शनीय। तथैव तथा धन एव, वृद्धि स्वर संधि, तथा माने जैसे, एव माने ही, वैसे ही राजकुमार महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुरे, रायपुर में दर्शनीय, दर्शनीय है। ये जो दोनों है, राजकुमार महाविद्यालय और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये रायपुर में दर्शनीय है। अत्र रविशंकर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय च स्तः, यहाँ रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। देखिए कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र है राजकुमार महाविद्यालय, राजकुमार महाविद्यालय का। दूसरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और तीसरा देखो टाउन हॉल, टाउन हॉल जो 100 साल से भी पुराना है। और चौथा चित्र है रविशंकर विश्वविद्यालय, इसको पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपि नूतनम स्थापितम। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपि भी नूतनम, नया स्थापितम, स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी नया स्थापित हुआ है। अत्र एकः संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति। अत्र यहाँ, यहाँ कहा? रायपुर में एकः, एक संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति, संस्कृत महाविद्यालय भी है। यत्र साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिष कर्मकाण्डश्च विषयाः सन्ति। यत्र जहाँ, कहा? संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिष और कर्मकांड आदि विषय हैं, अर्थात इन विषयों को पढ़ाया जाता है। कहा? हाँ, संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाया जाता है। अत्र छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानश्चापि विद्यन्ते। अत्र माने यहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये नाम से आप परिचित हैं। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में ये नाम लिखा रहता है, क्योंकि सारे हमारे पढ़ाई जाने वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण इसी संस्था में होता है और अभी जो कक्षा हो रही है ये भी इसी संस्था से हो रही है, जिसको हम अंग्रेजी के शॉर्टकट में SCERT कह देते हैं। शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानश्चापि, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी,
विद्यन्ते हैं। सारी संस्थाएं रायपुर में हैं। देखिए सबके चित्र आपको देखने को मिलेंगे, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का चित्र, उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, फिर संस्कृत महाविद्यालय का चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। घंटिका चतुष्पथम घड़ी चौक अस्य नगरस्य प्रसिद्ध स्थलम अस्ति। घंटिका चतुष्पथम, घंटिका चतुष्पथम घड़ी चौक, अस्य नगरस्य इस नगर का, किस नगर का, रायपुर नगर का प्रसिद्ध स्थलम अस्ति, प्रसिद्ध स्थलम अस्ति, प्रसिद्ध स्थल है। नगरस्य विवेकानंद आश्रमे विवेकानंद जयंती समारोहे विशिष्ट प्रवचनम प्रतिवर्षम आयोज्यते। नगरस्य नगर के, किस नगर के, रायपुर नगर के विवेकानंद आश्रमे, विवेकानंद आश्रम में विवेकानंद जयंती समारोह, विवेकानंद जयंती समारोहे, विवेकानंद जी के जयंती के समारोह में विशिष्ट प्रवचनम प्रतिवर्षम आयोजन्ते, विशेष प्रकार का प्रवचन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आभूषणानां धान्यानां वस्त्राणां च रायपुरे असंख्याः आपणाः सन्ति। आभूषणानां, आभूषणों के, आभूषण मतलब गहनों के, धान्यानां धान्य मतलब अनाज, और धान्यानां अनाजों के, वस्त्राणां वस्त्र कपड़े, कपड़ों के, रायपुरे रायपुर में असंख्याः असंख्य आपणाः दुकानें सन्ति हैं। रायपुर में गहनों के, अनाजों के, कपड़ों के असंख्य दुकानें हैं। अत्र लौहोद्योगः प्रसिद्धः, अत्र माने यहाँ रायपुर में लौहोद्योगः, दो अलग अलग शब्द है, लौह धन उद्योग, ये उ को ओ हो गया गुण स्वर संधि के कारण, है ना, लौह धन उद्योग, लौहोद्योग लोहा का उद्योग प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। हस्तशिल्पालय नगरस्य शोभां वर्धयन्ति। हस्तशिल्पालय, हस्तशिल्प हाथ की जो कलाकारी है, हाथ से कलाकारी करके बनाए हुए जो हस्तशिल्प के विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं हैं, उसके लिए भी इस नगर की शोभा को वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। खारून नद्याः तटे प्रतिवर्षम कार्तिक पूर्णिमाया मेलापथः आयोज्यते। खारून नद्याः तटे, खारून नदी के तट, आपको पता है ना रायपुर नगर कौन से नदी के किनारे बसा है, हाँ खारून नदी के किनारे, इसीलिए खारून नदी के तट में प्रतिवर्ष प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमायाम, कार्तिक पूर्णिमा को मेला पकहा, मेला पकहा माने मेला आयोज्यते आयोजित किया जाता है। खारून नदी के तट में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला का आयोजन किया जाता है। इयम स्थली महादेव घाट इति नामना ख्याता। ये जो स्थल है जहां मेला लगता है वो महादेव घाट नाम से ख्याता प्रसिद्ध है। रायपुर वासिनः उत्सव प्रियाः, रायपुर वासिनः रायपुर में निवास करने वाले उत्सव प्रियाः उत्सव प्रिय हैं, अर्थात सभी उत्सवों को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। संति माने हैं। तत्र प्रतिवर्षम, वहां प्रतिवर्ष, कहां, तत्र एक अव्यय पद है और इसका अर्थ होता है वहां, वहां कहां, रायपुर में प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष दुर्गोत्सव, यहां दुर्गा धन उत्सव गुण स्वर संधि है। गणेशोत्सव गणेश धन उत्सव, यहां पर गुण स्वर संधि है। तो रायपुर में प्रतिवर्ष दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव, ईद ईद, क्रिसमस क्रिसमस इत्यादय आदि उत्सव उत्सवों को सोत्साह उत्साह के साथ सौहार्द भावेन बहुत भाईचारा के साथ समायोज्यन्ते आयोजित किया जाता है। रायपुर में
प्रतिवर्ष दुर्गोत्सव, गणेशोत्सव, ईद, क्रिसमस आदि त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ और भाईचारा के साथ मनाया जाता है। अत्रस्थ महंत घासीदास संग्रहालय प्रसिद्ध। अत्रस्थ यहाँ का महंत घासीदास संग्रहालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। अनेकानि क्रीडा केंद्राणि सन्ति, अनेकानि बहुत सारे क्रीडा केंद्राणि क्रीडा केंद्र सन्ति हैं, यहाँ बहुत सारे क्रीडा केंद्र हैं। क्रीडा केंद्र मतलब खेल खेलने का स्थान, यथा जैसे सुभाष क्रीडा केंद्र, सुभाष स्टेडियम के नाम से जानते हैं, रविशंकर क्रीडा केंद्र, रविशंकर क्रीडा केंद्र जिसको हम रविशंकर स्टेडियम कहते हैं, गास मेमोरियल, गास मेमोरियल इति क्रीडांगणाः, ये सारे खेल के मैदान नगरवासी नाम क्रीडा प्रेमम दर्शयन्ति, नगरवासियों के खेल प्रेम को दिखाता है, बताता है। रायपुर में जो बहुत सारे स्टेडियम है, खेल के मैदान है, वो मैदान इस शहर के क्रीडा प्रेम को दर्शाता है। नगरस्य व्यस्ततमः सर्वेषां प्रियं स्थानं हट्टं च गोलहट्टं अस्ति। नगरस्य नगर का व्यस्ततमः सबसे व्यस्ततम अर्थात जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, कहां और वो कैसा है, सर्वेषां प्रियं सबका प्रिय स्थानम स्थान, हट्टम बाजार, गोलहट्टम अस्ति, गोलहट्ट अर्थात गोल बाजार है नगर का सबसे व्यस्ततम सभी के लिए प्रिय बाजार, गोल बाजार है। बालकानां मनोरंजनाय नंदन काननम अस्ति, बच्चों के मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए नंदन काननम, नंदन कानन चिड़ियाघर का नाम है, अस्ति है। यत्र आबाल वृद्धाः मनोरंजनार्थम आगच्छन्ति, यत्र माने जहां आबाल वृद्धाः बच्चों से लेकर के वृद्ध पर्यंत, बच्चों से लेकर के बूढ़े पर्यंत सभी मनोरंजनार्थम मनोरंजन के लिए आगच्छन्ति आते हैं, कहां नंदन कानन। देखिए कुछ चित्र हैं, महंत घासीदास संग्रहालय का चित्र आपको दिख रहा होगा, उसके बाद सुभाष क्रीड़ा केंद्र जिसको हम सुभाष स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। आज का पाठ हमारा यहाँ समाप्त तो होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप रायपुर नगर के विषय में भली भांति जान गए होंगे। तो चलिए बच्चों कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, आपको अभ्यास करना है। देखिए अभ्यास का प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। क दुधाधारी मंदिरम, ख खारून नदी, ग शताधिक वर्षम और घ नंदन काननम। इनके सामने उत्तर दिया हुआ है, मनोरंजनाय टाउन हॉल रायपुरम 1620 संवत्सरे। अब आपको इसको मिलाना है, तो दुधाधारी मंदिरम का उत्तर क्या होगा, हाँ 1620 संवत्सरे। दूसरा खारून नदी का उत्तर रायपुरम, हाँ। तीसरा शताधिक वर्षम, टाउन हॉल पढ़े थे ना, टाउन हॉल 100 साल से भी पुराना है। और चौथा नंदन काननम मनोरंजनाय। बच्चों आप लोगों के लिए एक गृह कार्य है, इस गृह कार्य को ध्यान से देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप इस गृह कार्य को अपनी कॉपी में बनाइएगा और अपने शिक्षकों से उसकी शिक्षकों से परीक्षण कराइएगा। पहला है महंत घासीदास संग्रहालय खालिस्थान नगरे अस्ति। दूसरा रायपुरे खालिस्थान स्थाने कार्तिक पूर्णिमायाम मेलापक आयोज्यते। तीसरा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानम खालिस्थान नगरे अस्ति। चौथा रायपुर नगरे खालिस्थान मठः स्थितः। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, रायपुर नगर के विषय में 10 पंक्ति अपनी मातृभाषा में लिखिए। आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में रायपुर नगर के विषय में 10 पंक्ति अर्थात 10 लाइन लिखना है, और किस कौन सी भाषा में, मातृभाषा में लिखना। और जब ये लिख लें तो आप अपने शिक्षक से इसकी जांच।
कराइएगा। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।